तिलक जी, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर इस सरकार ने बेरोजगारी की त्रायमाम त्रायमाम बती है, मैं उसका दो उदाहरण दे सकता हूँ। 2018-19 की सरकार ने रोजगार मेले के अंतर्गत 884 रोजगार मेलों का सृजन किया, जिसमें 600 लोगों के रोजगार देने की मैं बात कही। दूसरा 2019-20 को इन्होंने 19-20 को इन्वेस्टमेंट समिट बताया, जिसमें कहा 1,20,000 करोड़ के अमूल साइन हो गए, लेकिन उसके अंतर्गत एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने होम स्टे के अंदर कहा था हम 2500 से ज्यादा होम स्टे बनाने का काम करेंगे, जिसमें से 3 होम स्टे बनाने के नुकसान से। और उत्तराखंड के अंदर आप जानते हैं CMIR की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 24% तक बेरोजगारी की दर चले गई थी। जो लोग देश में, आप दिल्ली की जहां तक बात करें, दिल्ली में अभी NSO की जो रिपोर्ट आई है, CMIR की रिपोर्ट आया, उसमें देश तीसरे नंबर से दिल्ली सबसे ज्यादा बेरोजगार, उत्तराखंड इससे ऊपर आ रहा है। लखपत साहब देखिए, बेरोजगारी के मामले में फिर मैं बात बहुत दूर तक जाएगी, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, आपकी सरकार ने भी झूठ बोला था, आपकी सरकार ने भी झूठ बोला था। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, आप कहेंगे तो चुनौती देकर उदाहरण देता हूँ। तिलक जी, लखपत बुटोला किसी चीज से भागता नहीं, मैं बताता हूँ। जब हमने 2017 में सत्ता दी थी, उत्तराखंड में 3.75 बेरोजगारी दर थी, जिसको 23.9% किए जाने का इन्होंने, आपने बेरोजगारों को बोला था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया था आपने जी, दिया था, सत्ता नहीं आई। हम सुन लीजिए, हमने 17 में सरकार से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जनता ने हमें बाहर करने का काम किया, तो नहीं किया था ना आपने, आप बोलिए नहीं किया था। जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए कि आप तिलक चावला गलत बोल रहे हो, आप बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो, बोलिए ना। तिलक जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारी सरकार 17 में आकर निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता देने का काम करती है, और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि विजय बोगड़ा ने ऐलान किया कि हम सत्ता में बेरोजगारी भत्ता देंगे, सत्ता में आए तो एक को भत्ता नहीं दिया आपने, और आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं बेरोजगारी मुद्दा है। एक काम करते हैं सीमा जी, मैं आप दोनों राजनीतिक दलों ने बारी बारी से राज किया उत्तराखंड पे, आपने कहा हमने इतना रोजगार दिया, उन्होंने कहा इतना रोजगार किया, छोड़िए तिवारी जी ने कितना रोजगार दिया, खंडूरी जी ने कितना दिया, उस विषय को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हरीश रावत के कार्यकाल और विजय बोगड़ा के कार्यकाल और पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल और तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल, लखपत बड़ोला साहब भी आंकड़े लेकर आए और आप भी आंकड़े लेकर आए और बताए जनता को उत्तराखंड की किसको कितना रोजगार दिया। चुनौती कबूल है सीमा जी, बोलिए नाम के साथ लेकर आए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। अगर 25,000 लोगों को दिया तो 25,000 लोगों के नाम बताइए, सार्वजनिक रूप से बताइए। हमारे काल में तो, हमारे काल में तो आप 2 साल कोरोना में निकाल दीजिए, अच्छा सारे के सारे लोग ही तबाह हो गए, जो इधर से उधर बातें कर रहे हो उसको कैसे काउंट करोगे आप 5 साल में। चलिए 3 साल में आपने क्या किया, 3 मुख्यमंत्री बदलने की उपलब्धि है ना आपके, ना तो जनता को यह बताइए कि 3 साल में आपने कितना रोजगार दिया। एक सेकंड लखपत साहब, एक तीरथ सिंह जी की बात थी, उनका कई टेक्निकल इशू थे। मैडम मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, आपके पास 6G है ना, मैंने तो 6G का बात की, मुख्यमंत्री बदल दे, हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं मुख्यमंत्री को। मैडम स्टिंग ऑपरेशन छोड़िए, मेरे को रोजगार बताइए, स्टिंग करने वाले स्टिंग करते चले गए और स्टिंग के नाम पर क्या धंधा हुआ वो छोड़िए, स्टिंग के नाम पर सत्ताएं खरीदी गई बेची गई वो छोड़िए, वो सब जानते हैं, स्टिंग बाज कौन था वो सब जानते हैं। मैं स्टिंग के विषय में नहीं जा रहा, मैं रोजगार की बात करूंगा, स्टिंग वाले दूसरे हैं, मैं रोजगार की बात करता हूं, पहाड़ की बात करता हूं, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, ना पलायन आपने रोका ना उन्होंने रोका, मैं तो बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, रोजगार के आंकड़े हैं तो लेकर आइए, मैं चुनौती दे रहा हूं लखपत बड़ोला साहब आपको भी, लेकर आइए रोजगार के आंकड़े, इस मुद्दे पर डिबेट करिए, आइए। पहाड़ों को रोड से किसे जोड़ा गया ये आपने दिख रहा, आपको ये नहीं दिख रहा 4 धाम कितना इजी हो चुका है वहां तक रोजगार पहुंच गया आपको। मैडम मैं चाय और पकौड़े बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने कितना रोजगार दिया, बात नहीं कर रही हूँ आपने कितना रोजगार दिया, पहाड़ को देखिए आप, पहाड़ में कितना काम बढ़ गया। मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ आप नौकरी के आंकड़े जारी करिए ना, कितनों को नौकरी दी आपने, क्यों नहीं जारी करते, नाम के साथ जारी करिए, कब करेंगे बताइए, कर देंगे जारी सर। मैडम करिए ना, मैं जानता हूँ इस विषय पर चर्चा नहीं होती, रोजगार के मुद्दे पर आइए लखपत बड़ोला साहब, मैं गलत कह रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ टिक्कू साहब आप पे और मनोज विश्वास साहब, आप लोग जारी करिए ना आंकड़े। लखपत साहब का ऑडियो उठाइए प्लीज जी, मैं आपसे कह सकता हूँ
मेरी आवाज आ रही? जी जी लखपत साहब कंटिन्यू प्लीज। जी आवाज आ रही मेरी? जी जी अपनी बात रखिए। देखिए माने हरीश रावत जी ने चैलेंज किया भाजपा की सरकार को, सत्ता में रहती हुई सरकार को, क्योंकि 3200 इन्होंने सरकारी नौकरियां दी है तो मैं निश्चित रूप से राजनीति को संन्यास कह दूंगा। लेकिन ये सरकार पिछले 5 दिन से 32 लोगों के नाम नहीं गिना पाई, ये दुखद पूर्ण है। मैं कह सकता हूँ कि हमने केवल और केवल शिक्षा विभाग में 32,000 प्राइमरी शिक्षा में दी है, 10,500 आईटी में, और एक काम करिए आप उनको चुनौती दे रहे हैं, सत्ता में आप भी रहना, मैं तो कह रहा हूँ मैं आप दोनों को चुनौती दे रहा हूँ, आप उनको चुनौती छोड़िए, आप दोनों को चुनौती दे रहा हूँ, मैं आप दोनों को चुनौती दे रहा हूँ, आप अपने आंकड़े निकालिए, वो अपने आंकड़े निकाले और जनता के सामने रखिए। हमने इन लोगों को नौकरी दी, इनका नाम है, इनका नंबर है, फोन करके पूछिए आप इनसे, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन डिबेट करवाऊंगा, जिस समय बोलेंगे उस दिन डिबेट करवाऊंगा, वक्त भी आपकी, तारीख भी आपकी, जगह भी आपकी, बोलिए उत्तराखंड में आता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ मैं आपको, आप दोनों राजनीतिक दलों को।